हमारे प्रोफेशन में बीइंग अ डिटेक्टिव आंख नाक कान खुले और मुंह बंद। डिटेक्टिव जो होता है वो गुड एक्टर होना चाहिए। मैं 21 साल की हूँ और शायद मैं सबसे यंगेस्ट डिटेक्टिव हूँ। हेलो, एक गाड़ी आई हुंडई एक्सेंट वाइट कलर की, उसमें बैठी और निकल गई है, और फोटोग्राफ्स और वीडियोस जो हैं वो हम आपको सेंड कर रहे हैं। तो वो हॉबी थी सिंस डे वन, स्कूल डेज से, बट नेवर थॉट इट विल बिकम अ प्रोफेशन। 2007 इतना डाउन द लाइन, तब इतना पॉपुलैरिटी भी नहीं थी इस प्रोफेशन के बारे में, और फीमेल्स थिंकिंग गोइंग इन दिस प्रोफेशन वो तो बिल्कुल भी नहीं था। बहुत सारी यंग फीमेल्स को भी नहीं बढ़ने दिया जाता है। बीइंग अ मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री, वो वैसे उसे सप्रेस कर देते हैं। तो ईदर तो आप उनके फैमिली मेंबर हो तब आप ग्रो कर सकते हो, और यू आर समहाउ एसोसिएटेड अप टू सम लेवल, लेकिन आप इंडिविजुअली ग्रो नहीं कर सकते। पक्का करवा लेना आज। तो ये दो तीन चीज़ें थी विच मेड मी थिंक कि यार लड़कियाँ काम करने के लिए भी आनी चाहिए, और फीमेल एज क्लाइंट्स भी कम्फर्टेबल होनी चाहिए अपने केसेस डिस्कस करने के लिए। बहुत सारे केसेस में फ्री ऑफ कॉस्ट भी करती हूँ उनके लिए, जो फीमेल्स अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। बस मेरा पति मारता है, पीटता है, पैसे नहीं देता है, अफेयर है, कहीं से दे दो, मैं कुछ तो अपनी फैमिली को दिखा सकूं कि माय हस्बैंड इज़ रॉन्ग। हेलो, कोई आया? हाँ, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया ना। हाँ, तो आई पुट माई एजेंसी नेम एज वीनस, विच यू नो डिपिक्स फीमेल्स। आई एम द ओनली एजेंसी हैविंग फीमेल डिटेक्टिव्स, नंबर वन, दैट टू इन सच अ बिग रेशो। इसको बोलना लाइक काइंडली सेंड फोटोग्राफ। मेरे पास कॉलेज स्टूडेंट्स आती हैं, कुछ इनिशियल लेवल जर्नलिस्ट थी, उसके अलावा फुल टाइमर्स हैं, पार्ट टाइमर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं। हमारा काम है जो ट्रूथ है उसको ओपन करना, जो नहीं है उसको क्रिएट करना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें पुलिस इन्वॉल्व है, सबसे पहले वो केसेस नहीं लेते हैं हम। कॉल रिकॉर्ड्स मांगने बहुत सारे लोग आते हैं, वो नहीं लेते हैं हम, दैट्स कम्प्लीटली इलीगल। कुछ और केसेस होते हैं जहाँ पे मॉरली, मॉरल ग्राउंड्स पे भी हम नहीं लेते, हमें दिख रहा है कि हमारा क्लाइंट ही गलत है। Hello? मेरी यंग टीम में अभी 19-20 ईयर्स की एक फीमेल है, किसी को डाउट भी नहीं आता है, उसको भी मज़ा आता है, इट्स क्रिएटिव, इट्स नाइस। आप यही समझिए, अभी मेरा नाम भारती ही है आपके लिए, मेरी 21 एज है, और शायद कोई 21 ही है मैम, शायद मैं सबसे यंगेस्ट डिटेक्टिव हूँ। हेलो, डिटेक्टिव एजेंसी से बोल रही हैं? एक्चुअली मुझे ना अपने बेटे पे डाउट है। बताइए। मुझे लग रहा है ना कि वो कुछ गलत कामों में फंसा हुआ है, आप क्या इसमें मेरे लिए कुछ हेल्प कर सकती हैं? हमें सुबह से लेकर शाम तक वेट करना पड़ता है कि कब हमारा सब्जेक्ट आएगा, कब हम उनका फॉलो करेंगे, तो थोड़ा पेशेंस तो चाहिए ही होता है। वैसे मेरा शक तो उस पर सही निकला, क्योंकि उसने अपनी मॉम की चेन बेच के ड्रग्स खरीदे थे। सुमन जी, वो टेंशन वेंशन तो नहीं है? हाँ, टेंशन लेते नहीं, टेंशन देते हैं। डिटेक्टिव जो होता है वो गुड एक्टर होना चाहिए, तो ये चीज़ माइंड में रखनी पड़ती है कि आई एम नॉट डिटेक्टिव, आई एम मेड, मैं मेड हूँ। तो वो फील जब आता है ना, तो जो अगला व्यक्ति होता है वो आपको पकड़ नहीं सकता है। आपकी आंखों में वो चीज़ दिखनी नहीं चाहिए कि आप मेड हो या डिटेक्टिव हो, हिचक नहीं रहती, क्योंकि जब हम अपने माइंड को सेटअप कर लेते हैं कि आई एम मेड नॉट डिटेक्टिव, तब वहाँ पे हिचक खत्म हो जाती है। सबसे अजीब करेक्टर हमें भुट्टे वाला जो दुकान में लगाना और भुट्टे बेचना। अरे मैडम, लहजा भी बदलना पड़ता है। हाँ, अरे बाबू ले लीजिए ना, ले लीजिए बाबू, दो बच्चे हैं, अरे ले लीजिए, हमारा भुट्टा तो खा करके देखिए। मतलब मुझे पता होता है कि आज कुछ होने वाला है समहाउ। एक पुलिसमैन की वाइफ अप्रोच करती है, शी इज़ लाइक मेरे हस्बैंड का अफेयर है, प्लीज़ ढूंढ के दे दीजिए। तो मैंने कहा नहीं, हम आपका केस नहीं कर सकते हैं। मे बी ये करेक्ट केस हो, जेन्युइन केस हो, बट फिर भी नहीं कर सकते सेफ्टी ग्राउंड्स पे। सेफ्टी, मेरा आदमी पकड़ा गया तो पुलिस वाले उसके ऊपर कोई भी एक्स वाई जेड केस लगा सकता है ना। इससे अराउंड समवेयर 2009-10 की बात होगी। इट इज़ लाइक शी सेड कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है, प्लीज़ आप वहाँ पे सर्वेलेंस करवाएं। करवाई सर्वेलेंस, ठीक है जी। अभी करवाई कहाँ थी, टीम पहुँची थी,
हमारा सब्जेक्ट मिला, उसको थोड़ा सा फॉलो किया था शायद, वो एक जगह गया और पूरी टीम ने, ग्रुप ने आकर के उन्हें पकड़ लिया, क्या कर रहे हैं आप, फॉलो कर रहे हैं, पकड़ लिया, ओके, पुलिस में ले गए, फाइन, जो भी है बस ये करिए। उसने जाके बोला ये दोनों शार्प शूटर हैं, मुझे मर्डर करना है। हाउ विल यू प्रूव कि आप नहीं हैं? हम रेड पढ़वा देते हैं बॉस। मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, मैं आज भी करती हूँ। मैंने देखा, हमने फॉलो किया दिस मैन एंड दिस फीमेल, दे वेंट इन अ होटल, अभी अभी हमने जो एक केस किया था, वेंट इन अ होटल, हम गए, हमने उसको बुला लिया, आ जाओ, एंड वी रेडेड, कॉट देम रेड हैंडेड। बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इंडस्ट्रीज इनसाइडर्स भी आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देन आई मेड अ पॉलिसी, एलिफेंट चलता है, किसी की उस आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुँचती है। कीप ऑन डूइंग योर वर्क। लोग सोचते हैं हम सिर्फ मैट्रिमोनियल्स करते हैं, इसके पीछे जाना, उसके पीछे जाना, इसका लव अफेयर, उसका लव अफेयर, लेकिन हमारे पास कॉर्पोरेट केसेस भी उतने ही क्वांटिटी में आते हैं। ये एक बैंगलोर का कॉर्पोरेट केस है, कंपनी को डाउट है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली यूनियन फॉर्म हो रही है और यूनियन बहुत स्ट्रांग है जो उस कंपनी के अगेंस्ट में चल रही है यूनियन, तो यूनियन में कौन है एक्चुअली जो उनको इतना मोटिवेट कर रहा है। तो आप इसके लिए आप कैसे पता लगा रहे हो इस बारे में? इसमें हमने अपने एक आदमी वहाँ पे प्लांट कर दिया है उस लेबर के बीच में। अच्छा, अंडरकवर। कई लोग मतलब सुन के उनको अच्छा लगता है, बट व्हेन यू रियली परफॉर्म इट, रियली डू इट, तो पता लगता है ये तो जो टीवी में दिखाते हैं ऐसा नहीं होता। सीआईडी नहीं है।